प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। आज ऑनलाइन कक्षा में आज के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा एवं विचार, भाषा क्या थी, भाषा की परिभाषा क्या थी और उसमें व्याकरण, वर्ण, वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला और आज हमारा जो विषय रहेगा आज वर्णों के प्रकार हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम एक विद्यार्थी को, एक बालक को व्याकरण की शिक्षा दें, व्याकरण की शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से उसकी जो प्रथम सीढ़ी है व्याकरण को सिखाने की, हमारी जो भाषा है, जो संस्कृत भाषा है, उस भाषा को हम किस माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचा सके, उनके दिमाग में इसको बैठा सके कि किस प्रकार से जो है व्याकरण को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है किस माध्यम से, तो हम आज वर्णों के प्रकार पढ़ेंगे। संस्कृत में वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है, जिस प्रकार से पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, नंबर तीन है अयोगा। तो स्वर क्या है? स्वर वे ध्वनियां हैं, स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्रता पूर्वक होता है, उनको बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे ए, आ, इ, ई, उ, रि, लि, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से स्वर, स्वर के भेद कितने हैं? स्वर के भी आगे जो है तीन भेद हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में या जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे, बहुत ही कम समय लगे, एक मात्रा का ही प्रयोग होता है, उसको हस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में पांच है, जैसे ए, ई, उ, रि और लि। इससे पहले हमने हस्व स्वर के बारे में पढ़ा कि हस्व स्वर क्या होते हैं। हस्व स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें एक मात्रा की आवश्यकता होती है या जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, जैसे ए, ई, उ, रि। इस प्रकार से हस्व स्वर, उससे आगे हम दीर्घ स्वर के बारे में जानेंगे। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगे। हस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है? दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण में, जिन शब्दों का उच्चारण करें उनमें हस्व स्वर से दोगुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे जैसे आ, ई, ऊ, रि। इस प्रकार से हस्व स्वर हमारे पास पांच है और दीर्घ स्वर जो है चार है। उसके पश्चात ए, ऐ, ओ, औ, ये चार शीर्ष स्वर भी है, चार शीर्ष स्वर भी है। इस प्रकार से हस्व स्वर हमारे पास पांच है और दीर्घ स्वर चार है और चार शीर्ष स्वर भी है, ए, ऐ, ओ, औ, ये चार शीर्ष स्वर भी है। उसके पश्चात नंबर तीन पे आते हैं प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से तीन गुना समय लगे, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में हस्व स्वर से तीन गुना समय लगे, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे प्लुत स्वर की पहचान के लिए उस स्वर के आगे हम तीन का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे कि लगाया जाता है, जैसे आ, ए, ओम, इसके उदाहरण है। इस प्रकार से हमने हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में जाना, पढ़ा कि हस्व स्वर जिनके उच्चारण में हम कम समय लगता है बोलने में, जैसे ए, ई, उ, रि। इस प्रकार से और दीर्घ स्वर में हमें इनका उच्चारण करने में हस्व स्वर से दो गुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, रि। और इस प्रकार से ए, ऐ, ओ,
औ ये चार सिक्त स्वर भी है। और स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से तीन गुना समय लगता है उसको हम प्लस स्वर कहते हैं। और उसकी पहचान के लिए जैसे उसके आगे तीन का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे ओम इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। उसके पश्चात स्वरों के कुछ अन्य भेद भी हैं कि स्वर क्या है, स्वरों के कुछ अन्य भेद भी हैं उनको हम जानते हैं। आइए स्वरों के अन्य भेद में मूल स्वर जैसे है की कू री म्री, ये मूल स्वर कहे जाते हैं क्योंकि किसी ये किसी अन्य वर्ण की सहायता इनके अंदर जो है जब इनका उच्चारण करते हैं तो अन्य वर्ण की सहायता इसमें नहीं ली जाती, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं, इनको किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उसके पश्चात है शेप स्वर। शेप स्वर ऐसे स्वर है ए ऐ ओ औ, उनको ये चार शेप स्वर है इनको मिश्रित स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण स्वरों के योग से हुआ है, जैसे ए प्लस ई ए, ए प्लस ए ऐ, ए प्लस ऊ ओ, ए प्लस ओ औ। इस प्रकार से हमने आज इस यहाँ पर स्वरों वर्णों के प्रकार के बारे में जाना, वर्णों के कितने भेद हैं, स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है, और उसके पश्चात हमने जो है स्वर के बारे में पता लगा कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके पश्चात हमारे पास हर्ष स्वर के बोलने में जो है कम समय लगता है ये पांच होते हैं। और इससे पहले हमने स्वरों के भेद के बारे में जाना, अब हम इससे आगे चलते हैं। आपको व्यंजन के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जिस प्रकार से और व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते जिस प्रकार से स्वर होते हैं, तो व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और व्यंजन के भेद कितने हमारे पास? व्यंजन के भेद है चार। नंबर एक है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और शीत व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है कैसे लेकर के मैं तक 25 है, अंतःस्थ व्यंजन जो है चार है, उष्ण भी चार है और इस प्रकार से शीत व्यंजन जो है ये भी चार की श्रेणी में आते हैं। उसके पश्चात हमारे पास आता है अयोगवा। अयोगवा का उच्चारण करते समय हम जो है स्वरों के बाद इनका उच्चारण होता है अयोगवा। इनमें इसके भी आगे तीन भेद हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार जो है एक बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो नासिका के द्वारा जो है इसका उच्चारण करते हैं, जैसे हंस। और अनुनासिक जहां पर बोलते समय हम उच्चारण करते समय मुख और नाक का जो है प्रयोग करते हैं और एक चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जहां अनुनासिक का हम प्रयोग करते हैं, जैसे हंसना, आंख। इस प्रकार से उदाहरण हो सकता है इसका। और विसर्ग, विसर्ग जो है जो बात में कोई भी हम अक्सर बोलते हैं उसके पीछे एक है की ध्वनि जो है का उच्चारण स्थान बोला जाता है, जिसको हम बिंदु के रूप में जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज यहाँ पर वर्णों के प्रकार के बारे में जाना और उसके बाद स्वरों के प्रकार के बारे में जाना। स्वरों के बाद हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा कि व्यंजन क्या है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं और व्यंजन जो है 33 होते हैं। इसके पश्चात हम अगले अध्याय में इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।